तो जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार छोटा ट्रेडर में। तो दोस्तों, हर रोज की तरह आज भी हम यहाँ पे निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी की कंबाइन एनालिसिस वीडियो आप सभी के बीच लेके आए हैं, जो कि कल के लिए होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, कल मार्केट में क्या हो सकता है, कल फ्राइडे है, क्या हो सकता है, इसकी डिटेल में हम जानकारी आप सभी को प्रोवाइड कराएंगे, लेवल भी प्रोवाइड कराएंगे। फिलहाल अभी ये हमारे जो चार्ट पे आप देख रहे हैं, निफ्टी बैंक का चार्ट ओपन है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ट्रेडिंग व्यू पे मैंने धन के ट्रेडिंग व्यू पे ये चार्ट ओपन करा हुआ है, जो कि प्रीमियम ट्रेडिंग व्यू है। अगर इसका सब्सक्रिप्शन आप सभी लोग फ्री में लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी धन डीमेट अकाउंट की। उसमें आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करके अपना ये फ्री का ट्रेडिंग व्यू इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये प्रीमियम ट्रेडिंग व्यू है जो कि आपको फ्री में एक्सेस दिया जाएगा, ठीक है। तो हालांकि ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, यहाँ पे कुछ ड्राइंग्स आप सभी को दिख रही है, और ये ड्राइंग्स स्पेशली मैंने लाइव सेशन में की हुई थी, और ये मैंने बताया हुआ था कि इस पॉइंट के आसपास से एंट्री, और ये टारगेट, ये स्टॉप लॉस, और इसमें ये होता है कि ये एंट्री पॉइंट होता है, ये स्टॉप लॉस और ये टारगेट होता है। इस तरह से पुट की साइड में दो प्रकार से हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किए थे। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि अच्छा खासा मोमेंट भी कैप्चर किया गया था। देखिए, ट्रेडिंग में प्रॉफिट एंड लॉस दोनों होंगे, ऐसा ही नहीं कि सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट होंगे। अगर एक दो बार स्टॉप लॉस लगता है तो मैंने आप सभी को बता रखा है, जो पुराने लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भाई बंधु, वो जानते हैं। अदरवाइज नए हैं तो मैं तो कहता हूँ 4 से 8-10 दिन हमारे साथ रह के जुड़ के देखिए, इस चैनल के माध्यम से आपको जरूर कुछ ना कुछ बेनिफिट यहाँ से प्राप्त जरूर होगा, क्योंकि हम लाइव ट्रेडिंग सेशन जब करते हैं तो वो ट्रेडिंग सेशन क्या आप सभी के लिए लर्निंग सेशन होता है मान के चलो। और उसमें अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो बेसिक से एडवांस की जानकारी आपको अगर लेनी है, मतलब बेसिक से एडवांस लेवल की तरफ आपको मुड़ना है या फिर एडवांस लेवल पे ट्रेड करते हैं, तो यहाँ पे आइए देखिए। हम यहाँ पे जो लेवल लगाते हैं वो 90% के आसपास एक्यूरेट होते हैं, ये एक्यूरेसी मैं प्रोवाइड कराने का प्रयास करता हूँ। हालांकि स्टॉप लॉस मेरा 10 पॉइंट का होता है और टारगेट हमेशा 20 पॉइंट, 50 पॉइंट और 100 पॉइंट का होता है। तो इस तरह से 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशियो भी हमारा मेंटेन हो जाए। तो बहुत सारी चीजें हैं, धीरे धीरे आप सभी को सीखने को मिलेंगी। एक दिन में जरूरी नहीं कि एक ही दिन में आप सभी लोग राजा बन जाए, तो कई बार एक दिन में राजा बनने के चक्कर में आप अपनी कैपिटल भी खो देते हैं, तो ऐसा नहीं है। कम से कम मार्केट को साल 6 महीने टाइम देना चाहिए, और टाइम देने के साथ साथ एक्सपीरियंस भी लेना चाहिए। तो जो नए लोग हैं उनसे मैं यही कहूंगा कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके आल पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं लाइव आऊं आप सभी को लाइव की नोटिफिकेशन मिल पाए और आप हमारे साथ जुड़ पाए, लर्निंग कर पाए, ट्रेडिंग कर पाए। जो मेरी ट्रेड्स होती हैं मैं लाइव मार्केट में आप सभी के साथ 12 से 1 बजे के आसपास में आता हूं, तो आप सभी लोग इस टाइम पे आके विजिट करके यहाँ पे हमारे साथ ट्रेड करना चाहें कर सकते हैं। पेपर ट्रेड के लिए यहाँ पे आप आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम है, ठीक है। तो चलिए, मार्केट हमेशा की तरह है, हमेशा की तरह क्या मतलब हाई पे हाई लगाते हुए जा रही है। तो यहाँ पे 44,500 का ये जो कई बार मैंने बताया कि ये जो लेवल्स होते हैं, ये साइकोलॉजिकल एंड न्यूमेरिकल जो रेजिस्टेंस सपोर्ट होते हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो 44,500 के आसपास ये जो रेजिस्टेंस एरिया है, इसको आप मार्क करके रखिएगा, अपने चार्ट पर भी ड्रा कर लीजिएगा। ये वाली कैंडल आप देख रहे हैं, ये वाली कैंडल जब बनना स्टार्ट हुई थी ऊपर की तरफ, तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सर अब मार्केट ऊपर जाएगी ऊपर जाएगी ऊपर जाएगी, लेकिन मैंने यहीं से पुट साइड में एंट्री करवाई थी। देख सकते हैं अभी भी लेवल लगा हुआ है, और लाइव वीडियो भी पड़ा हुआ है, जाके आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में लाइव वीडियोज की प्लेलिस्ट बनी हुई है ऑलरेडी, आप देख सकते हैं। यहीं पे मैंने पुट साइड की एंट्री करवाई और एकदम छोटे से स्टॉप लॉस के साथ जो है दोबारा से यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट मुझे यहाँ पे देखने को मिला, मतलब 450 से 250, मतलब 200 पॉइंट के आसपास का मोमेंटम सिर्फ यहाँ पे 50 पॉइंट्स के आसपास का स्टॉप लॉस। तो मतलब 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 200 पॉइंट का टारगेट यहाँ पे अचीव हुआ। तो रिस्क रिवार्ड की अगर बात करें तो बहुत ही बेहतर रिस्क रिवार्ड यहाँ पे आपको 1:4 के आसपास का देखने को मिल रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा वो होता है, प्रॉफिटेबल रूल होता है रिस्क रिवार्ड का, ठीक है। तो 44,500 ये आप मार्क करके रखिएगा, कल मान के चलो अगर इसके ऊपर मार्केट ट्रेड करती है, जरा भी निकलती है, तो फिर मार्केट 45,000 जाने में टाइम नहीं लगाएगी। यानी कि कई बार मैंने आपको बता दिया कि 44,500 का लेवल जैसे ही ब्रेक होगा, 45,000 के आसपास मार्केट ट्रेड करने के मैक्सिमम चांसेस हैं। ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं। तो अगर मार्केट गैप अप होती है या फिर गैप डाउन होती है, सबसे पहले मैं ये चीजें हटा देता हूं यहां से, क्योंकि ये कंफ्यूजन ना क्रिएट करें आप सभी के लिए। नीचे से एक मैंने ट्रेंड लाइन ड्रा करी हुई है कुछ इस प्रकार से, तो ये सपोर्ट का काम करेगी, बट यहां पे हम आप सभी को सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस बेसिस पे, प्राइजेक्शन बेसिस पे चीजें प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो इस चार्ट को थोड़ा सा हम छोटा करते हैं यहाँ पे, क्योंकि फिब रिट्रेसमेंट का भी लेवल हम यहाँ पे थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। और मार्केट अगर यहां से हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे गई है, तो मैक्सिमम इस पॉइंट तक रिट्रेस कर सकती है। ये वाला जो लेवल है हम रखते हैं 50%
एक ये लेवल, और दूसरा 38% का लेवल होगा जो कि मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन की मदद से आप सभी को मार्क किए दे रहा हूँ, 280 के आसपास, ठीक है 280। और इसके बाद में जो लेवल होगा वो मेरा होगा ये 78। मैक्सिमम गिरावट अगर आएगी तो ये 30-35 के आसपास आ सकती है, ठीक है। ट्रेंड तब चेंज होगा जब मार्केट का ट्रेंड तब चेंज होगा जब ये जो हमारा 43,900 का लेवल है ये ब्रेक होगा डाउन साइड में, तो इसको हम रेड कर देते हैं, ठीक है। यहां से फिर मार्केट गिरावट करेगी, बाकी अगर नीचे की तरफ आती है तो ये हमारा 44,200 का एक सपोर्ट लेगा, नीचे की साइड में 44,000 40 के आसपास का सपोर्ट लेगा, और नीचे इसके 43,910 के आसपास में ये सपोर्ट लेगा। फिलहाल इसको अगर हम मान के चले तो ये नो ट्रेडिंग जोन के बेस पे रहेगा, मतलब 100 पॉइंट के आसपास में यहाँ पे अगर हम नहीं भी ट्रेड करते हैं तो 100-150 पॉइंट्स में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसको एनटीजेड मान के चलिएगा। मार्केट फिर इसके नीचे अगर क्लोज होती है तो फिर हम पुट साइड में एंटर करेंगे, टारगेट क्या होंगे अभी हम बताएंगे। इससे पहले बात कर लेते हैं, अगर 44,000 के आसपास मार्केट दिखती है तो यहाँ से कॉल साइड में एक थोड़ी सी एंट्री बनाई जा सकती है, टारगेट हमारा होगा 44,200 के आसपास का, उसके बाद में फिर 70-80 पॉइंट का और मिलेगा। लेकिन अगर इस रेंज में मार्केट ओपन हो जाती है, फ्लैट ओपन होती है, तो देखिए चीजों को समझ लीजिएगा, यहाँ पे एक तरीके से चीजों को समझ लीजिएगा। अगर मार्केट 44,280 के आसपास है, मतलब ये जो लेवल है इसके आसपास में ओपन होती है, कॉल साइड में एंट्री बनेगी, यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा मेरा 70-80 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, फिर ऊपर साइड में 200 पॉइंट का टारगेट यानी 44,500 का अगेन टारगेट होगा। अगर मार्केट इसी लेवल में ट्रेड किया करती है 44,400 के आसपास ट्रेड किया करती है और 500 के नीचे ट्रेड किया करती है और उसके बाद ये ब्रेक होता है लेवल, तो बहुत सात मूवमेंट में 100-200-300 पॉइंट का मूवमेंट आएगा और 44,700 का पहला लेवल होगा, दूसरा लेवल 45,000 का ही मान के चलो, हालांकि 50 पॉइंट पहले भी आप लोग एग्जिट कर सकते हैं। ये चीज मैं फिर से बता दे रहा हूँ, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी चीज पे आप सभी लोग अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, अगर मार्केट 44,500 के नीचे लगातार सस्टेन रहती है 10-20-25 मिनट, देन उसके बाद में ब्रेक होता है ये लेवल, तो एक अच्छा मोमेंटम यानी 44,700 का ये टारगेट तो मिलेगा ही मिलेगा जो कि मैं लगा के रखा हुआ हूँ। इसके बाद फिर 45,000 के आसपास का भी लेवल, मतलब 400-500 पॉइंट भी आप कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन ये 200 पॉइंट आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो ये चीज क्लियर हो गई, बात कर लेते हैं मार्केट गैप डाउन हो जाती है अगर गिरावट करने लगती है अच्छी खासी, ठीक है। तो देखिए डरना मत कि मैंने यहाँ पे ये होल्ड कर लिया, जो होल्डर्स हैं तो वो भी थोड़ा सा इन चीजों को समझेंगे, अगर रेंज उनके फेवर में चल रही है, उनका फेवर कर रही है तो उस रेंज में बने रह सकते हैं, अदरवाइज आप लोग जो है एग्जिट कहाँ पे करना है बिना स्टॉप लॉस, एक स्टॉप लॉस प्रॉपर तरीके से आप डिसाइड करेंगे कि मार्केट अगर कहाँ पे जाएगी तो हम कहाँ पे स्टॉप लॉस लेंगे। अगर पुट साइड वाले हैं, देखिए पुट साइड वाले हैं तो कहाँ पे निकलना होगा ये चीज थोड़ा सा, मतलब निकलना ना निकलना आपके ऊपर है, लेकिन जो मेरा व्यू कह रहा है वो मेरा व्यू यही कह रहा है कि मार्केट अगर 44,500 के जब तक नीचे है तब तक पुट साइड में एंट्री आप करे रह सकते हैं या फिर बनाए रह सकते हैं, स्टॉप लॉस आपका इसके 20 पॉइंट ऊपर का होगा। अगर इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाती है तो फिर मतलब पुट साइड के लिए रिस्क होगा, और जो कॉल साइड वाले हैं वो 44,280 या फिर 250 के आसपास या फिर 200 मान चलो 44,200 के आसपास अगर मार्केट रहती है तो यहां तक कॉल साइड में बने रह सकते हैं, क्योंकि यहां से मार्केट मैक्सिमम चांसेस हैं ऊपर की तरफ जाने के, ठीक है। अगर इसके नीचे आता तो स्टॉप लॉस लेके पुट साइड में एंट्री करके अपना स्टॉप लॉस रिकवरी भी कर सकते हैं और यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट भी बना सकते हैं। बात कर लेते हैं मार्केट अगर 43,910 के नीचे आती है तो आपको ज्यादा बड़ा मूवमेंट तो नहीं मिलेगा लेकिन कम भी नहीं मिलेगा, 43,750 के आसपास का ये लेवल आपको देखने को मिल सकता है डाउन साइड में, तो इसके लिए भी मैं लेवल यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन लेता हूँ और ये 43,750 का ये लेवल होगा, ठीक है। इसके बाद अगर जाती है तो फिर 550 के आसपास का लेवल होगा क्योंकि यहाँ से मार्केट एक बार और आई है, तो ये लेवल होंगे, लेवल्स आप सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा मुझे उम्मीद है, नहीं पूरा विश्वास है, 43,750 देन उसके बाद में 43,550 ये लेवल होगा। इतनी भारी गिरावट अब आप कहेंगे ये सर खो नहीं सकती है, तो देखिए अगर मार्केट गैप डाउन कर गई और लेवल ये 43,900 का ब्रेक हो गया तो फिर पॉसिबल है इतनी सारी गिरावट भी आ सकती है और ऊपर की तरफ मार्केट भी जा सकती है। उम्मीद करता हूँ निफ्टी 50 की ये चीज आप सभी को समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 की बात करने के लिए निफ्टी 50 के लेवल को यहाँ पे क्रिएट करना होगा, देख सकते हैं यहाँ पर भी निफ्टी 50 का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है,
लगातार मैंने 19,000 का रेजिस्टेंस बताया था, और इसी लेवल में 19,000 और 18,950 के बीच में काफी देर मार्केट सस्टेन करी है। तो कुछ नए लेवल लगाने के लिए यहाँ से इसको डिलीट करते हैं और चार्ट को करते हैं 13 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 13 मिनट के टाइम फ्रेम पे करते हैं, और यहाँ पे फिब रिट्रेसमेंट का लेवल लेते हैं। हालांकि यहाँ से ट्रेंड चेंज हुआ तो फिब रिट्रेसमेंट का लेवल लेने का कोई मतलब नहीं है, बट फिर भी हम यहाँ से क्लिक कर देते हैं कुछ यहाँ पे। अगर मार्केट फ्लैट मोमेंट में रहती है तो फिर यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ये एक सपोर्ट मिलेगा, दूसरा मुझे ये सपोर्ट मिलेगा, और रेजिस्टेंस वही 19,020 का मान के चलो इस बार मिलने वाला है। अगर 20 के ऊपर ब्रेक होती है, एक सेकंड मैं हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे इस प्रकार से, 20 के ऊपर जाती है तो फिर मार्केट अच्छा मूव करेगी ऊपर की साइड में, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा। अब इसको हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर लेते हैं ताकि आप सभी को चीजें अच्छे से समझ में भी आए। ठीक है, इसको हम फिब रिट्रेसमेंट का लेवल लगाते हैं यहाँ पे, और ये जो हाईएस्ट लेवल है तो अब मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ, इस पे ले देता हूँ इसको, और इसके बाद में एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे लेता हूँ। देखो वैसे तो बैकएंड में मैंने एनालिसिस कर ली है, लेकिन यहाँ पे आप सभी को जो स्टॉप लॉस चीजें हैं या एंट्री कहाँ पे करनी, ये सब चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है आप सभी के लिए। ठीक है, तो अब बात करते हैं, अगर निफ्टी 50 19,020 का लेवल ब्रेक करती है ऊपर की साइड में और इसके नीचे सस्टेन रहती है, उसके बाद ब्रेक ब्रेक मतलब ब्रेकआउट करती है, तो फिर आपको अच्छा टारगेट निफ्टी 50 में भी देखने को मिल सकता है। और वो टारगेट कौन सा होगा, फिर 19,100 के आसपास का लेवल, मतलब 80 पॉइंट का ऊपर की तरफ मिल सकता है। और इसके बाद फिर थोड़ा सा हम डर डर के चलेंगे क्योंकि मार्केट अच्छी खासी बुलिश है, और कई बार मार्केट इस लेवल के आसपास मतलब अपने हाई का आने के बाद जो है अच्छी खासी गिरावट करी है। तो अगर गिरावट करे तो मुझे यहाँ पे स्टॉप लॉस भी मेंटेन करके चलना है, और अगर मार्केट ऊपर की तरफ बुलिश हो तब भी स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। तो 10-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस निफ्टी 50 में आप ले सकते हैं, इंडेक्स का मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर 19,020 के ऊपर जाती है तो फिलहाल 19,100 के आसपास का लेवल के लिए हम बैठेंगे, ज्यादा बड़ा लेवल नहीं, लेकिन अगर इसके ऊपर जाती है तो 20-30-50 पॉइंट का और ऊपर लेवल ले सकते हैं, बस इससे ज्यादा नहीं। यहाँ से नीचे आ सकती है, और अगर नीचे आती है तो 19,020 का फिर से लेवल। हाँ, बात कर लेते हैं कि अगर इसके नीचे ही मार्केट फ्लैट ओपनिंग कराती है तो 19,020 से लेकर के 19,950 की ये रेंज अच्छी खासी बन सकती है, क्योंकि पहले भी मैंने बताया कि इस रेंज में ऊपर गई यहाँ से, फिर नीचे की तरफ आई, फिर ऊपर की तरफ गई और फिर से नीचे की तरफ आई। नीचे की तरफ आने के बाद में यहाँ पे डबल टॉप बनेगा, और अगर इस नेक लाइन को यानी कि 18,000 सॉरी यहाँ पे अगर मैं कुछ गलत बोल दिया होऊंगा या फिर गलत बोल देता हूँ तो उसे कॉमन सेंस लगा कि आप सभी लोग मेंटेन कर लीजिएगा, 18,000 होगा ये। ठीक है, 18,950 के नीचे आती है अगर ऊपर जाने के बाद में, तो एक अच्छा मुझे डाउन साइड में मोमेंटम मिलेगा, और वो मोमेंटम करेगा मेरा टारगेट यहाँ पे 18,920 पे अचीव, पहले 30 पॉइंट का, फिर 18,870 के आसपास का लेवल यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये जरूर नोट कर लीजिएगा आप सभी लोग। ठीक है, और अगर मार्केट इससे भी नीचे आती है तो मान के चलिएगा कि मार्केट 18,800 के आसपास तक विजिट कर सकती है, यहाँ पे गैप भी फिल कर सकती है और फिर इस लेवल में ट्रेड भी कर सकती है। ये चीज आप सभी लोग समझ लीजिएगा, और ये लेवल है 18,800 से 18,880 का, जो कि कई बार मैंने आप सभी को बताया कि ये 80 पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हालांकि इतना नीचे नहीं आएगी, भारी गैप डाउन करा दे वो अलग की बात है, लेकिन अगर मार्केट बुलिश रहती है तो बुलिश में किस तरह से आपको ट्रेड करना है, बियरिश रहती है बियरिश में किस प्रकार से आप सभी को ट्रेड करना है, ये बखूबी आप सभी लोग जानते होंगे, और एनालिसिस वीडियो यानी कि जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बेसिस पे प्रोजेक्शन बेसिस पे ये चीजें हमने आप सभी को बताई हुई है, ये भी चीजें आप सभी को समझ में अच्छे तरीके से आई होंगी। कोई दिक्कत होती है आप सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, विदिन आवर्स हम आप सभी की कमेंट का रिप्लाई भी करते हैं। मेरे नाम से अगर आप सभी से कोई पैसे मांगता है या फिर कॉल या मैसेज करता है वो फ्रॉड होगा मेरे दोस्त, मैं किसी से पैसे नहीं लेता हूं। तो मेरे नाम से अगर कोई पैसे मांगे तो प्लीज पैसे मत दीजिएगा, मुझे आप सभी का प्यार आशीर्वाद चाहिए, और पैसे में मार्केट से जो कुछ भी होता है मैं कमा लेता हूँ, बस उतना ही मुझे चाहिए कि जितना मैं खा सकूँ। तो आप सभी से पैसे नहीं लूंगा और ना ही लेता हूँ, मेरा ना तो कोई पेड प्रीमियम टेलीग्राम चैनल है और ना ही कोई पेड व्हाट्सएप ग्रुप है, एक फ्री ग्रुप है टेलीग्राम का, वो डिस्क्रिप्शन में है, उस लिंक पे जाकर के आप जो है ज्वाइन हो सकते हैं। अदरवाइज आप सभी अगर लिंक डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स हैं उन पे अगर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके आप मुझे अपना स्क्रीनशॉट मैसेज करते हैं
तो मैं आप सभी को अपने लर्निंग ग्रुप में भी ज्वाइन कर दूंगा, जहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी के पार्टिकुलर लेवल्स भी फिर निफ्टी के मैं प्रोवाइड करा देता हूँ लर्निंग पर्पज के लिए। तो उससे भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। डेमो के तौर पे आप सभी को डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस टेलीग्राम चैनल से आप ज्वाइन हो सकते हैं। सर्च करके जाएंगे तो तमाम सारे फेक चैनल बने हुए हैं मेरे नाम से, तो उन चैनल से सतर्क रहिएगा, अदरवाइज वहां पे आप सभी से पैसे की डिमांड भी हो सकती है। तो भैया सतर्क रहिएगा, अवेयर रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।